हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द चैप्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे। देखो मैं सिंपल सा केस बताता हूँ। सपोज करो मेरे तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और उनका रेशियो चल रहा है 3:1, मतलब 6 रुपये प्रॉफिट होगा तो ए को 3 रुपये, बी को 2 रुपये और सी को 1 रुपये। अब हुआ क्या, एक अनफॉर्चुनेट नाइट को, लेट सपोज 14 जून 2022 को सी को हार्ट अटैक आ गया और वो उसकी डेथ हो गई। अब डेथ तो कभी भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं है कि वो 1 अप्रैल को हो, डेथ तो कोई भी दिन हो सकती है। अब ये इसकी डेथ हो गई, अब आप खुद सोचो जब इसकी डेथ होगी तो इसको इसको जो पैसा देना होगा, जो उसने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हम उसको वापस नहीं देंगे। सर क्यों वापस देंगे, वो तो मर गया है भाई। सी ने सपोज करो इसने 2 लाख बिजनेस में लगाए, इसने 3 लाख लगाए, सपोज करो इसने 1 लाख रुपए ही लगाए, तो क्या वो जो 1 लाख रुपए सी का है वो हम उसको वापस नहीं देंगे। क्यों सर वापस क्यों दोगे, वो तो मर गया। अरे मर गया तो क्या हुआ, उसके वाइफ या उसके हस्बैंड को देंगे। अगर ये लड़का है, अगर वो शादीशुदा है तो उसके वाइफ को देंगे, अगर ये लड़की है शादीशुदा है अगर तो उसके हस्बैंड को देंगे, या उसके पापा मम्मी को देंगे, या उनके बच्चों को देंगे। बट जो इसका जो शेयर है, सी का शेयर, अल्टीमेटली किसको मिलेगा, मिलेगा लीगल हेयर को, मिलेगा लीगल हेयर को मिलेगा, जो उसके विल के हिसाब से है। तो सी के विल के हिसाब से उसकी जो जायदाद है वो उसके बच्चों पे जा रही, तो बच्चों को मिलेगा, उसके हस्बैंड या उसके वाइफ को, वाइफ को, पापा मम्मी को, पापा मम्मी को मिलेगा, बट हमें उसको शेयर देना पड़ेगा। तो अब हम जैसी डेथ हुई तो सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, उसको कैपिटल का शेयर देंगे, उसको गुडविल का शेयर देंगे, जो कि हम रिटायरमेंट में करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉसेस भी देंगे। बट मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं कि सबसे पहले जैसी डेथ हुई सबसे पहले आप गेन रेशियो निकालोगे। क्यों निकालोगे गेन रेशियो, बिकॉज अब सी चला गया, सी पार्टनरशिप से चला गया, डेथ हो गई उसकी, तो अब बिजनेस में कितने बचे, ए और बी। तो अब सी की डेथ के बाद, ये तो मेरा ओल्ड था, तो सी की डेथ के बाद ए बी और सी ने, ए बी, अब ए बी बचे तो ए बी डिसाइड करेंगे, यार अब सी की तो डेथ हो गई है, अब हम प्रॉफिट कैसे डिवाइड करें। तो क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई हिंट दिया होगा। सपोज करो दिया हुआ हो प्रॉफिट 1:1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चलो आज से इक्वल, सी की डेथ हो गई, ए और बी है, तो जरूरी नहीं है 3:2 हो, वो 1:1 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 1:4, कोई भी आप रेशियो हो सकता है, उन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले मुझे गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो में गुडविल के लिए निकालता हूं, तो लेट्स कैलकुलेट द गेन रेशियो। तो गेन रेशियो जैसा कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में निकालते थे, व्हेन पार्टनर डाइज वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द गेन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, भाई जो रिमेनिंग ए और बी रह गए उनका। तो अब गेन रेशियो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको रिटायरमेंट बताया था, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। गेन कब करेगा पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कब करेगा, जब नए फर्म के अंदर उसको ज्यादा मिल रहा हो। पहले 5 रुपए में, लेट्स सपोज उसको 3 रुपए मिलता था, अब उसको 5 रुपए में 2.5 मिलेगा, 1:1, तो ये क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। सिमिलरली बी को गेन हो रहा है, पहले उसको 2/5, 2 रुपए मिलता था 5 रुपए में, अब उसको 5 रुपए में 2.5 रुपए मिलेगा, तो ये बी को गेन हो रहा है। क्लियर है, तो हमें सबसे पहले गेन रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। तो अब मैं आपको गेन रेशियो निकालना सिखाता हूं। देखो व्हेन ओनली, ये मेरा केस नंबर वन, When only information is given that partner died. Question में लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि partner मर चुका है, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ, नया ratio भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, बता रखा है भाई partner की death हो गई है। तो अब देखो ये पढ़ो, A, B, C are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio 1:2, 1:2 respectively. Calculate the new profit sharing ratio. Okay, सुनो, जब हमें question में सिर्फ old ratio दिया हुआ है और दिया हुआ है कि भाई मैं के ये वाला करता हूं, अगर ए बी और सी है और इनका ओल्ड क्या है, 1:2 ओल्ड है। अब बोलता है कि ए मर गया, अगर ए मर गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं आपको न्यू रेशियो बी और सी में पता क्या होगा,
जो उनके बीच में पहले था। उनके बीच में पहले क्या था, 2:2, तो अब 2:2 होगा, ए को हम छुपा देंगे, 2:2 मतलब 1:1, 2:2 कॉमन ले लिया, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है 1:2, ए मर गया और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए को छुपा दो, बी और सी का रेशियो क्या है 2:2, वही मेरा न्यू रेशियो होगा, तो 2:2, कुछ और इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही, 1:1, और यही मेरा गेन रेशियो होगा, यही मेरा क्या होगा, यही मेरा गेन रेशियो भी होगा। आप गेन रेशियो भी निकालोगे तो आपका सेम ही आएगा, बिलीव नहीं करते हो मुझ पे, चलो न्यू रेशियो तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ए गया तो एग्जिस्टिंग शेयर क्या है बी और सी का 2:2, 1:1 हो गया। चलो व्हाट इज गेन, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, चलो ए बी का बी गया ना, सॉरी ए मरा ना, तो नया क्या है 1/2 - 2/4 - 2/4, तो आप 2/5 - 2+2+1 = 5, तो आपका कॉमन निकालो 10, 5 - 4 = 1/10। सिमिलरली सी का निकालो 2 by 2 - 2/5, वही आपने कॉमन निकाला 5 - 4 = 1/10, तो आपने देखा गेन रेशियो भी क्या आ गया 1/10, 1/10, 1/10, 1:1 आ गया। क्लियर है, तो जब क्वेश्चन सिर्फ साइलेंट हो, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है भैया कि हमारा पार्टनर मर गया और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो बच गए उनका जो 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 शेयर होगा वही गेन रेशियो होगा, वही न्यू रेशियो होगा। ये मैंने केस नंबर, ये मैंने वन कराया। अगर सपोज करो बी मरता है, सपोज करो बी मरता है, तो सुनो अब मुझे बताओ अगर बी मर गया तो क्या करेंगे, बी मर गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, बी को छुपा दो 1:2, भाई 1:2 है ना, बी मर गया 1:2 ए और सी का, और ए और सी का गेन रेशियो भी 1:2 होगा। आप निकाल के देख लेना, न्यू माइनस ओल्ड 1:2, आपका ओल्ड रेशियो था 1:2, नया रेशियो बी को छुपा दो 1:2 और गेन रेशियो 1:2 होगा, आप निकाल के देख लो। सिमिलरली अगर सी मर गया तो न्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, सी मर गया तो सी को छुपा दो, न्यू होगा आपका 1:2, इसको छुपा दो 1:2, और आपका गेन भी 1:2 ही होने वाला है। क्लियर है, तो जब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो, सिर्फ दिखा हुआ भाई कोई पार्टनर मर गया और कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तो हम यही एज्यूम करेंगे ओल्ड जो एग्जिस्ट जो रिमेनिंग पार्टनर में वही हमारा नया चलेगा। ओके चलो अब और केस करते हैं, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। चलो क्या लिखा हुआ है, ओल्ड क्या है ए बी और सी 3:1। ओके वो बोलता है बी डाइड, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। लो भाई बी की डेथ हो गई है, बी की डेथ हो गई है, और ए और सी बोलते हैं अब हम रेशियो 4:1 करेंगे। अब हम रेशियो क्या करेंगे, 4:1 करेंगे। पहले क्या रेशियो था, 3:1। बी डाइड एंड ए एंड सी, बी मर चुका, अब ए और सी ने कहा हमारा नया रेशियो 4:1 होगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हुआ है, अब आपको यहां पे गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। सर क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि गेन रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो न्यू माइनस ओल्ड, क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहले मैं ए का निकालूंगा, ए का न्यू क्या है सर 4/5, और पुराना क्या है 3/6, तो आपका कॉमन निकल गया 30, 24 - 15 = 9/30, 30 कॉमन, 24 - 15 = 9/30, और सी का नया क्या है फॉर 1/5, और ओल्ड क्या है फॉर 1/6, तो आपका 30 कॉमन, 6 - 5 = 1/30। तो इसका मतलब है आपका गेन रेशियो क्या निकला, आपका गेन रेशियो निकला 9/30, 1/30, तो रेशियो हो गया 9:1।
क्लियर है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। न्यू माइनस फोर 24 - 15 9/30, 6 - 5 1/30 दिनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो गेन रेशियो आपका निकल गया न्यू माइनस फोर, दोनों में पॉजिटिव आ रहा है तो ये 9:1 आपका गेन रेशियो हो गया। और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़े क्या, चलो व्हेन रिमेनिंग ए एंड बी सी डिसाइडेड 3:1 बी डाइड एंड हिज शेयर इफ डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो बोल रहा है कि बी की डेथ हो गई है तो ऐसे केस के अंदर हमें सबसे पहले तो पार्टनर लिखना पड़ेगा, ये ए है ये बी है, सॉरी ये बी है और ये सी है, ये आप ऐसे बनाओगे एडजस्ट। ओल्ड रेशियो क्या है 3:6 2:6 1/ सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है बी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है अनफॉर्चुनेट, और उसका जो शेयर है 2:6 वो ए और सी ने इक्वली इक्वली बांट दिया, मतलब बी का जो शेयर है वो 2:6 का 2:6 का 1/2 आधा शेयर ए ने ले लिया और 2:6 का आधा शेयर बी ने ले लिया, सी ने ले लिया। बी की डेथ हो गई है तो इसका 2:6 शेयर है, 2:6 का आधा शेयर ए को मिला, 2:6 का आधा शेयर किसको मिला सी को मिला, लिखा हुआ है इक्वली बटेगा दोनों में, ये न्यू शेयर नहीं दे रहा हुआ, वो बता रहा है बी का शेयर, बी का एंड हिज शेयर इफ डिवाइडेड। लास्ट क्वेश्चन में हिज शेयर नहीं था, लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था नया रेशियो ए और सी कैसे करेंगे शेयर, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ए और बी सी बी का आधा आधा शेयर ले लेंगे, तो अब आपको नया रेशियो अब आपको नया निकालना है 3:6 + 2 और 2 काट देता हूं 1:6 2 और 2 कट गया 1:6 तो आपका निकल जाएगा 6 common 3 + 1 = 4/6। सिमिलरली इसका तो 0 ही होगा बिकॉज पूरा का पूरा बी तो मर गया ओके, और इसका होगा 1:6 + 1:6 = 6 common 1 + 1 = 2/6। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, सम ऑफ न्यूमिनेटर हैव टू बी इक्वल डिनोमिनेटर, 4 + 2 = 6 होता है, यहाँ 6 होता है, तो आपका नया रेशियो निकल गया। आपका ओल्ड क्या था सर, ए बी और सी, सर ओल्ड था 3:2:1, नया क्या है सर, नया है आपका क्वेश्चन में हमने निकाल दिया 4:6 दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो 4 कौन मरा बी मरा ना, तो 4:2 सी बी तो मर गया, 4:2 आपका क्या हो गया नया हो गया। इसको नए को मैं और कम कर लूं 2:1 कर लूं सर कैसे, अरे 2 कॉमन निकाल दो ना, 4:2 आ रहा है तो 2:1 मैंने कर दिया ओके। तो ये आपका नया शेयर हो गया। अब गेन क्या होगा, गेन सुनो मुझे पता है गेन क्या होगा, मैं अंतर्यामी हूं मैं बताऊं गेन इक्वल होगा सर कैसे, अरे मुझे सब पता है मैं भविष्यवाणी करता हूं, देखो सर ऐसे कैसे सर अकाउंट्स में भविष्यवाणी तो ही काम आती है, अरे भाई मैं बता रहा हूं जब आपको, चलो ए का नया शेयर क्या है सर 2:3 2 + 1 क्या होता है 3, ओल्ड क्या है 3:6 तो 6 कॉमन ले लिया 2 4 - 3 1/6। सी का न्यू क्या है 1/3, ओल्ड क्या है 1/6, 6 कॉमन ले लिया 2 - 1 1/6 तो आपका गेन रेशियो आ गया 1/6 1/6 1/6। बी का तो भैया पूरा का पूरा गया, वो तो पूरा का पूरा गया 1/6 तो 1:1 आ गया, तो गेन रेशियो ए और सी में क्या आ गया 1:1 आ गया। पर आपको कैसे पता पहले से, बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था बी डाइड और उसका शेयर ए और सी ने इक्वली लिया तो इसका मतलब है गेन रेशियो इक्वली होगा। हाँ भाई जब उसका शेयर इक्वली लिया था मतलब जो गेन भी होगा वो भी इक्वली होगा तो इसलिए वो इक्वली निकला, क्लियर है। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या आपको, ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए डाइड एंड शेयर डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो 4:1। नीचे कमेंट करके बताओ
गेन रेशियो कैसे निकलेगा, और मुझे बताओ कि आपका, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट आप कमेंट करके नीचे बताओ अभी के अभी, ये प्रैक्टिस अभी कर लो बाद में भूल जाओगे। एंड यस, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला कंसेप्ट लूंगा डेथ ऑफ पार्टनर में। आज मैंने गेन रेशियो में आपको समझा चुका हूं कंसेप्ट, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। एंड यस, लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर दो सो दैट मेरा वीडियो आपको रोज पहुंच जाए। एंड यस, मेरा जो ग्रुप ज्वाइन कर लो, 12th का 11th का सारे ग्रुप्स नीचे दिए हुए, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल है, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे 100% कोर्स अवेलेबल है। क्लास 12th का 240 का कोर्स है, बहुत सारे बच्चों ने लिया, बच्चों के 100% मार्क्स आए हुए हैं, तो आप वहां पे देख लेना। 900 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व व्हाइट बोर्ड पे कराया है। यस, आप डाउनलोड तो कर ही लेना। यस, कमेंट जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।